Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. Namaskar dosto, mera naam Pratik Nayak hai aur aap sabka swagat hai Let's Crack UPSC CSE ke channel ke upar. जैसा कि बहुत दिनों से हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ऑन द टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी, आज फिर से आपको शुरू कराता हूँ और चैप्टर नंबर जो 9 है जो हम लोग कंक्लूड करने वाले थे आज के सेशन के अंदर, हम लोग उसको भी कंक्लूड करेंगे एंड वी विल बी सीइंग द वेरियस क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी नेशनल मूवमेंट में जो लास्ट फेज शुरू होता है, लास्ट फेज के अंदर क्या फर्दर डेवलपमेंट्स हुए उसको आज के क्लास के अंदर देखेंगे और फाइनली यही चैप्टर को यहाँ पे ही कंक्लूड करते हुए विल बी एंडिंग दिस टॉपिक एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के अंदर। आप लोग को स्वागत है ये कोर्स के अंदर। मेरा नाम प्रतीक नायक है, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर आपको पढ़ा रहा हूँ आज की तारीख के अंदर एनसीईआरटी। इसके सिवा आई ऑल्सो टीच ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मल्टीपल आपको क्लासेस मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलते हैं, डेली इंटरेक्शन होता है, डाउट सॉल्विंग होता है, वो सब आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर कर पाओगे। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, जिनका कंटेंट और जिनकी डिलीवरी के लिए आज की तारीख में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं भी अनअकैडमी प्लस के ऊपर पढ़ाता हूँ, मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को लेता हूँ और यहाँ पे जैसे आपको एनसीईआरटी का क्लास करा रहा हूँ, वहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर आई टीच द हिस्ट्री। मैं पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री के कोर्सेज चलाता हूँ, जहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों में काम में आए उस हिसाब से मैं आपको पूरी तरह से जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के साथ साथ जो आपकी ऊपर की बुक्स है जहाँ पे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, उन सब सब्जेक्ट्स को भी कराता हूँ। तो आई टीच एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, एक सब्सक्रिप्शन में आपको हर एक सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू अटेंड द क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। इनफैक्ट आपको जितना भी डाउट्स होगा वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे और हिस्ट्री के अंदर मेरे जो भी टॉपिक्स होते हैं वो मैं स्लाइड्स के द्वारा, हैंडआउट्स के द्वारा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। तो बहुत एडवांटेजियस रहेगा आपके लिए प्रिपरेशन के लिए। एक ही तैयारी में आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कवरेज हो पाएगा। लाइव क्लासेस होंगे, जितने भी एजुकेटर्स इंडिया के पढ़ाते हैं उन सब के क्लासेस आप देख पाओगे। वीकली क्लासेस हो गए, आंसर राइटिंग सेशंस हो गए, मॉक क्वेश्चंस हो गए, ऑल दिस टॉपिक्स विल बी एबल टू बी अटेंडेड। आप वो सब क्लासेस आप अटेंड कर पाते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको एक साल का मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना है या दो साल का। आगे का लोगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ऑनेस्टली, क्योंकि मेरा हिस्ट्री का कोर्स खत्म होते होते ही 6 से 8 महीना लग जाता है। उसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट्स है, एनवायरमेंट जैसे सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है। तो आई सजेस्ट कि आप यू टेक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, 44,000 इज द फी, बट इफ यू यूज द कोड PNLIVE ये आपको 10% ऑफ भी करके देगा और 39,600 में कवर करा देगा। ठीक है, तो 44,000 रुपये में अभी आज की तारीख में फीस है, बट इसमें आपको EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसी तौर के ऊपर अगर आपने 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन आपको PNLIVE के द्वारा मिल सकता है। वंस अगेन ओके, आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का, 57,600। अब बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक डाउट रहता है कि सर हमको एक मेंटर चाहिए, हमको तैयारी में कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमको हेल्प कर पाए। ठीक है, तो अनअकैडमी लेके आया है नया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मार्क माई वर्ड्स माई फ्रेंड्स, एक तो एजुकेटर के रूप में मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, प्लस आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा, एक मेंटर दिया जाएगा हु विल हेल्प यू इन द प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी। ठीक है, तो दोनों की आपकी तैयारी होगी, तो आप एक टीचर के साथ मेरे साथ कनेक्टेड हो ही, पर आप इनफैक्ट इससे थोड़ा ज्यादा तैयारी करना चाहते हो, आंसर राइटिंग आपको कोई पर्सनलाइज गाइडेंस दे, आपको फीडबैक दे पाए, उन सब के लिए अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आया है। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1+1 दो की जोड़ी मिलेगी। ठीक है, तो टीचर के रूप में तो मैं आपके साथ जुड़ा ही हुआ हूँ। आज की तारीख में हम लोग यहाँ पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर भी डिस्कस कर रहे रहते हैं, साथों साथ आप वहाँ पे जब आओगे आइकॉनिक के अंदर तो आपको एक और मेंटर दिया जाएगा। बहुत ही एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं, वो सब आपको गाइड करेंगे इन द प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हो, आपको पर्सनल कोचिंग, मोटिवेशन, गाइडेंस, प्रोफाइल रिव्यू से लेके हर एक चीज़ में आपको हेल्प करेंगे। आज की तारीख में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको काफ़ी फायदेकारक होता है, क्योंकि ये जो तैयारी है
ये तैयारी के अंदर आपको सुपरविजन होना बहुत जरूरी है, और कोई आपको पर्सनली गाइड करके सुपरवाइज कर पाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वही चीज आपको अनअकैडमी आइकॉनिक करके दे रहा है। तो आई वेलकम यू ऑल फॉर द अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप जुड़ सकते हो इसको लेके और काफी एडवांटेजेस आपकी तैयारी भी हो जाएगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ पे भी PN Live आपको कोड यूज करना है। PN Live कोड यूज किया तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट फॉर द सेम। तो ऑलवेज यूज दिस डिफरेंट डिस्काउंट कोड। ये सब जगह पे एप्लीकेबल है, पर UPSC के अंदर मैं आपको कहूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ। मैं आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर हिस्ट्री की तैयारी कराऊंगा। PN Live इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दिस थिंग एज वेल। ठीक है, आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 64,000 का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पर्सनल मेंटरिंग मिलेगी प्लस के अलावा जो है। ठीक है, और अभी आज की तारीख में एंड्रॉयड के ऊपर अवेलेबल है, बट सून इट विल बी अवेलेबल इन द iOS एज वेल, है ना। तो अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो यू नीड टू गो वाया द एंड्रॉयड एप्लीकेशन, क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर है। बट सून इट विल बी अवेलेबल इन द iOS, जो आईफोन को यूज करता है एप्पल के, उसके अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। एज ऑलवेज मेरा नया कोर्स आ रहा है एंशिएंट इंडिया के ऊपर। मैं आपको कहूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छी तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। और मेरे स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना ना भूलिएगा। जनरली संडे को रहते हैं मेरे स्पेशल क्लास। मैं आपको कहूंगा कि आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर दीजिए। टेलीग्राम पे मेरी चैनल का नाम है प्रतीक UPSC, प्रतीक UPSC। इन माई टेलीग्राम चैनल आई विल अपडेट ऑल द डिटेल्स अबाउट दी स्पेशल क्लासेस, कि कब हो रहे हैं, कितने दिन है, ठीक है, क्या टाइमिंग है। तो उसमें भी आपकी तैयारी में आपको अच्छी खासी तैयारी हम लोग कर सकेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द नेशनल मूवमेंट। हम लोग लास्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट में थे। हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे आखिर का पीरियड देखना है। अब देखो आखिर के पीरियड का मतलब क्या है साहब। इंडियन नेशनल मूवमेंट जब हमने शुरू किया था, अगर आपको याद होगा, तो हमने शुरू किया था 1850 के दौर में, और 1850s में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत हो गई। अब जब नेशनलिज्म की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे समय आगे गया, एज एन वेन टाइम प्रोग्रेस होता है, और जैसे जैसे समय आगे चलता गया तो हमको देखने को मिला 1870s के दौर में प्री कांग्रेस एसोसिएशंस बनने की शुरुआत होती। किसकी? प्री कांग्रेस एसोसिएशंस बनते हैं, कांग्रेस के पहले की संस्थाएं। उसके बाद हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि 1880s का ये दौर था जब इनफैक्ट कांग्रेस की स्थापना होती है, और कांग्रेस के अंदर इनफैक्ट जो ओरिजिनल लीडर्स आए उसे हम लोग कहते हैं मॉडरेट्स। ये मॉडरेट्स के सामने कांग्रेस का ही एक दूसरा ग्रुप उभर के आता है, जिसने 1905 तक आते आते कांग्रेस के अंदर इनफैक्ट मॉडरेट्स को चैलेंज किया, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हुआ करता था इसने 1905 तक आते आते भारत के अंदर एक आंदोलन को जन्म दिया, जिसे हम लोग कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। ये क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल का पार्टीशन होता है। उसके बाद हमने देखा था कि 1906 के अंदर आपकी मुस्लिम लीग नाम की जो पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नाम की पार्टी की स्थापना की जाती है। उसके बाद हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि 1907 के अंदर कांग्रेस टूट जाएगी। क्या हो जाएगा? कांग्रेस का बिखरना हो जाएगा। समय जैसे जैसे आगे चलता गया, एज एंड वेन द टाइम विल प्रोग्रेस इन द नेशनल मूवमेंट, वी फाइंड 1909 तक आते आते मॉर्लेमेंटो के रिफॉर्म्स आए। किसके रिफॉर्म्स आए? मॉर्लेमेंटो के रिफॉर्म्स आए, और ये रिफॉर्म्स के द्वारा मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाते हैं। मुसलमान ही मुसलमान को वोट कर पाएगा, और उनके लिए एक अलग प्रकार की चुनावी व्यवस्था की जाती है 1909 में। टाइम और इससे भी आगे जाएगा, और उसके बाद 1915 तक आते आते हमको देखने को मिलता है भारत के अंदर मास नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। ये जो मास नेशनलिज्म था, ये क्यों होता है? तो इसके पीछे का कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था और प्रीवियस क्लास के अंदर समझने की कोशिश की थी कि 1914-1915 तक आते आते जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी, तो वी फाइंड मल्टीपल थिंग्स विल टेक प्लेस। बहुत सारी घटनाएं होती है, और इसी में ही गांधी जी का आगमन होगा। गांधी जी ने भारत के अंदर आने के बाद 3 बड़े बड़े सत्याग्रह किए थे, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। 3 बिग सत्याग्रह विल बी स्टार्टेड बाय गांधी जी, और गांधी जी एक नई दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे भारत के लोगों को राष्ट्रवादी आंदोलन के द्वारा। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा 3 बड़े सत्याग्रह होते हैं। ये सत्याग्रह के बाद धीरे धीरे जैसे समय आगे गया, 1919 तक आते आते 2 कानून पास किए गए, एक तो रॉलेट का कानून और दूसरा कौन सा था? मॉन्टफोर्ड का कानून, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का कानून, हमने ये देखा था। उसके बाद हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि 1920 से लेके 1922 तक आते आते
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। 1922 के बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम रहा। 1922 से लेकर 1929 तक, 1922 से लेकर 1929 तक हमको क्या देखने को मिला दोस्त? तो हमको देखने को मिलता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, गांधी इनफैक्ट कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर लग जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर्स उभर के आते हैं आफ्टर द बारडोली सत्याग्रह, एंड वी ऑल्सो फाइंड भगत सिंह जो उस टाइम पे एक अपनी रिवॉल्यूशनरी घटना के द्वारा काफी चर्चा में भी आता है। 1929 में कांग्रेस अपना गोल बदलती है और कांग्रेस अपना नया गोल देती है जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण स्वराज। कहाँ पे होता है पूर्ण स्वराज का गोल? तो हमने देखा था कि लाहौर के अंदर इसका डिस्कशन होगा और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने इनफैक्ट अपनी मीटिंग करके पूर्ण स्वराज के गोल की तरफ आगे गया। समय आगे चलता है, 1930 के अंदर हमको देखने को मिलता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई जिसे हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं। ये सॉल्ट सत्याग्रह के रूप में गांधी जी ने दांडी के अंदर अपना मार्च निकाला और दुनिया के इतिहास को बदल दिया। 1930 से लेकर 32 तक आपको ये CDM मिलेगा। 1932 के अंदर हमने ये भी देखा कि कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी जाते हैं लंदन के अंदर, बट वहां पे कोई डिस्कशन नहीं होगा और बात आगे चलती है। जैसे जैसे समय आगे चलता गया वैसे वैसे हमको देखने को मिलता है कि इतिहास बदला और इतिहास बदलते बदलते 1935 तक आते आते भारत के अंदर एक कानून पास किया गया जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का कानून, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये कानून था, इसके द्वारा भारत के अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आती है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ साथ हमको देखने को मिला कि एक फेडरल गवर्नमेंट की शुरुआत हो जाएगी। ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ 1937 के अंदर भारत के 7 राज्यों के अंदर कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई थी और कांग्रेस ने कहा कि हम लोग भारत के अंदर इनफेक्ट राज्यों की सरकार चलाएंगे। ये कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज 1939 तक आते आते रिज़ाइन करती है। क्यों रिज़ाइन करती है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कांग्रेस को इसके अंदर कंसीडर किया जाता नहीं है और इनफैक्ट भारत को स्वतंत्रता देने की बात नहीं होती, इसके कारण रिज़ाइन हो जाता है। 1939 के बाद बात आगे चलती है, 1941 तक आते आते हमको एक और सत्याग्रह मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह जो गांधी जी ने कराया था। उसके बाद 1942 के अंदर हमको क्या देखने को मिला? क्रिप्स का भारत के अंदर आगमन हुआ और क्रिप्स के साथ साथ हमको देखने को मिलता है एक आंदोलन होता है जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये डू और डाई के नारे के द्वारा, डू और डाई का जो नारा था इसके द्वारा भारत की आजादी को एक नई दिशा दिलाने की कोशिश करेगा। डू और डाई का जब मूवमेंट खत्म होता है, डू और डाई का जो क्विट इंडिया मूवमेंट जब इनफेक्ट डिक्लाइन में जाएगा, तो 1943-44 तक आते आते हमको देखने को मिलता है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होती है। आजाद हिंद फौज नाम की जो संगठन है उसकी शुरुआत होगी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स उभर के आएंगे जिन्होंने भारत को क्रांति के रास्ते आज़ादी दिलाने की कोशिश की। बट हमने ये भी समझा था कि 1944 के अंदर कोहिमा नाम की जो जगह थी और इम्फाल नाम की जगह है, ये दोनों जगहों के अंदर इनफैक्ट इंडियन नेशनल आर्मी का पराजय हुआ और उसके बाद दुनिया का इतिहास बदल जाता है। आज का हमारा जो सेशन है वो यहाँ से ही शुरू करेंगे और 1945 के बाद दुनिया के इतिहास को समझेंगे कि 1945 के बाद फर्दर डेवलपमेंट क्या हुआ और 1945 से लेके 47 तक का पीरियड है वो कैसे चलेगा। उन सब पॉइंट्स के ऊपर आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज हम लोग आज़ादी दिलाने वाले हैं NCERT के ये चैप्टर से और हम लोग फिर फाइनल लास्ट चैप्टर के अंदर कंक्लूडिंग पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, 1945 एक ऐसा पीरियड है, 1945 एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे इंडिया का इतिहास अब बदलने की शुरुआत होगी। अब क्यों होगा इंडियन नेशनल हिस्ट्री पूरी तरह से चेंज, उसके पीछे की आपको थोड़ी बहुत कहानी समझाने की कोशिश करूंगा एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि 1945 के पीरियड में क्या हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है? तो लेट अस गो टू द स्लाइड, हम लोग सीधा वही स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं सो दैट हमारा टाइम ज़्यादा ना बिगड़े और हम लोग इनफैक्ट है ना फ्रीडम और पार्टीशन का जो टॉपिक है उसकी तरफ चले जाते हैं। लेट अस गो टू दिस टॉपिक एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब फ्रीडम और पार्टीशन के द्वारा अब क्या डेवलपमेंट होता है। अब देखिए हम लोग सबसे लास्ट फेज में आ गए हैं, द पीरियड ऑफ 1940s या 45 ऑनवर्ड से। अब 1945 ऑनवर्ड से भारत का आज़ादी का इतिहास पूरी तरह से बदल चुका है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है अब वो चेंज होने की शुरुआत होगी और बहुत सारे अब आपको प्रपोजल्स मिलेंगे गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल भारत को आज़ादी मिलने वाली है। द गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो अवेयर दैट टूडे और टुमारो, मतलब एक दिन का आगे पीछे का टाइम होगा, 1-2 साल 5 साल का ज़्यादा से ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बट इंडिया सूनर विल बी गेटिंग एन इंडिपेंडेंस, ठीक है? तो भारत को आज़ादी मिलने वाली थी वो पिक्चर क्लियर था। अगर भारत को आज़ादी मिलने वाली है वो पिक्चर क्लियर है, द पिक्चर इज क्लियर दैट इंडिया इज गोइंग टू गेट इंडिपेंडेंट,
राइट। तो अब आगे क्या होगा, किस तरह से इनफेक्ट चीजें चलेगी, गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या होता है, हम देखते हैं कि पार्टीशन जब हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन पार्टीशन हुआ और क्यों पार्टीशन होता है, ठीक है। तो हमको जानकारी मिलती है कि मुस्लिम लीग नाम की जो बॉडी है, ये मुस्लिम लीग ने अपना पाकिस्तान के लिए डिमांड रखना शुरू किया था। अगर आपको याद होगा तो मुस्लिम लीग नाम की बॉडी है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1906 के अंदर होती है। याद आया कि नहीं आया, हमने आपको पढ़ाया था कि 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। यही मुस्लिम लीग हम लोग जब देखते हैं तो 1909 के अंदर इनको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाते हैं। तो इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस कि हाउ द मुस्लिम लीग वॉज गिवन द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम लीग को किस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। समय आगे चलता है और हमको क्या देखने को मिला, व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने के बाद भी, इवन आफ्टर मुस्लिम लीग गेटिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, देयर वाज अ बिग वैक्यूम, बहुत बड़ा एक वैक्यूम था। और इनफैक्ट 1916 तक आते आते मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में करार होता है जिसे हम लोग कहते हैं लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ पैक्ट के बाद हमको देखने को मिलता है कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी अब थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, एंड वी फाइंड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी विल बी इंक्रीज आफ्टर द लखनऊ पैक्ट। समय आगे चलता है और 1920 के अंदर जब इनफैक्ट आपका खिलाफत का इशू होगा, और खिलाफत के इशू के बाद एक और मुद्दा जो मैंने आपको बताया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा, इन दोनों के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमको काफ़ी अच्छी मिलती है। उसके बाद 1928 तक आते आते मुस्लिम लीग अब धीरे धीरे अलग हो जाएगी, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो हुआ करता था, जो नेहरू कमेटी ने इनफैक्ट अपना रिपोर्ट और प्रस्ताव दिया था, उसको लेके मुस्लिम लीग का काफ़ी विरोध हुआ। 1928 से मुस्लिम लीग ने अलग ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स गेम खेलने की शुरुआत की थी। यही मुस्लिम लीग 1937 के अंदर जब चुनाव हुए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि चुनाव के अंदर मुस्लिम लीग इनफैक्ट वो है ना बहुत ही खराब तरह से परफॉर्म करती है। मुस्लिम लीग वॉज नॉट एबल टू वन द इलेक्शंस, इन स्पाइट ऑफ नॉट विनिंग द इलेक्शंस, मुस्लिम लीग चुनाव नहीं जीत पाती है, उसके बावजूद भी हमको देखने को मिलता है कि मुस्लिम लीग ने 1940 के अंदर अपना लाहौर के अंदर एक प्रस्ताव निकाला था। कहां पे, लाहौर के अंदर उसने एक प्रस्ताव निकाला था। लाहौर के अंदर उन्होंने एक प्रस्ताव के अंदर डिसाइड किया था कि वो लोग इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं फॉर द मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है, क्योंकि भारत की आजादी के साथ बंटवारा क्यों होता है, उसके पीछे का कारण आपको दो ही मिलेगा। वो कारण यही है कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि यहाँ पे जो आपका ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द कंट्री है, और ये वाला जो रीजन है दैट इज नोन एज द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द कंट्री, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है, ये दोनों में मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, ये दोनों के दोनों मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, इसके लिए यहाँ पे एक पाकिस्तान नाम के कंट्री की डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो टर्म है वो रहमत अली करके एक मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने 1930s में निकाला था, ठीक है। सो इन द 1930s वी फाइंड रहमत अली वॉज द वन इनफैक्ट हु स्टार्टेड द स्लोगन फॉर पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी जमीन चाहते हैं जो कहीं ना कहीं एक प्योर लैंड हो मुसलमानों के लिए, जो मुस्लिम मेजोरिटी के लिए होगा, और मुसलमान इनफैक्ट अपनी शांतिप्रिय रूप से अपने घर को बसा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पाकिस्तान की डिमांड होती है, इस तरह से पाकिस्तान की डिमांड हुई, और हमको देखने को मिलता है कि एक पाकिस्तान की मांग के साथ अब चर्चा चलती है। अब देखिए, याद रखेगा कि ये जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट की बात होती है, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट की बात होती है, उसमें बोला जाता है कि भाई हम लोग को एक मुसलमानों के लिए राज्य चाहिए, पर उसके अंदर शब्द पाकिस्तान का उल्लेख नहीं किया गया था। याद रखेगा 1940 के अंदर रेजोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान की डिमांड नहीं की गई थी, यह शब्द द टर्म पाकिस्तान वॉज नॉट यूज, द टर्म पाकिस्तान वॉज यूज बाय रहमत अली जो 1933 के अंदर थे। तो मूलभूत रूप से लीग उस टाइम पे ये बोल रही थी कि हम लोग इनफैक्ट एक ऑटोनोमस अरेंजमेंट चाहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि भारत के अंदर पूरी तरह से पार्टीशन होना चाहिए, पर एक ऑटोनोमस अरेंजमेंट के द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग से राजकीय परिस्थिति का जन्म करोगे या उसको एक अलग प्रकार की सिस्टम दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये सब कंडीशन में हमको देखने को मिलता है कि 1940s के बाद अब भारत का इतिहास बदल जाएगा, और भारत का इतिहास कैसे बदलता है, मुस्लिम लीग कहती है कि अब उसको एक ना सेपरेट कुछ आइडेंटिटी चाहिए, एक सेपरेट पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। अब अरे भाई, सेपरेट पॉलिटिकल स्टेट का मतलब ये होगा कि आज नहीं तो कल आप पाकिस्तान की तरफ ही जाओगे,
टुमारो मोस्ट प्रोबली आप यही बात कर रहे हो कि हमको पाकिस्तान की डिमांड ही करनी है, पर खाली शब्द यूज नहीं किया था। शब्द पाकिस्तान किया था, किसने किया था? रहमत अली ने किया था, 1933 के आसपास किया गया था। पर 1940 में जो लाहौर प्रपोजल आया, लाहौर प्रपोजल जहां पे सेपरेट पॉलिटिकल एक जो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की बात की गई, सेपरेट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की बात की गई, वो आपको यहां पे नहीं मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये दोनों पॉइंट से हमको समझ में आता है कि किस तरह से इनफैक्ट आपका डायमेंशन शुरू हुआ। प्रश्न ये हुआ कि मुस्लिम लीग क्यों अलग से कंट्री चाहती थी, मुस्लिम लीग क्यों कहती थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग से स्टेट होना चाहिए, मुस्लिम लीग क्यों ऐसा सोचती थी कि भाई मुसलमान भारत के अंदर सेफ नहीं है, मुसलमान भारत के अंदर सुरक्षित नहीं है। व्हाई व्हाई द मुस्लिम लीग यूज्ड टू थिंक दैट द मुस्लिम्स इन इंडिया आर नॉट सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का मानना यह था कि मुस्लिम जो है वो हिंदुओं से अलग है। क्या कहते हैं? द मुस्लिम्स वर अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदू। वो है ना, पूरी तरह से एक कम्युनल पॉलिटिक्स चाहते थे। उनका मानना यह था कि मुसलमान और भारत जो हिंदू है उनके उनके इंटरेस्ट सेम नहीं है, उनका रिलीजन सेम नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे स्टोरी है कम्युनलिज्म की, मैं आपको थोड़ा बहुत कम्युनलिज्म के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। कम्युनलिज्म एक ऐसा भूत है, समझने की कोशिश करो, कम्युनलिज्म एक ऐसा भूत है जो ये कहता है। कम्युनलिज्म क्या कहता है? व्हाट डज द कम्युनलिज्म टॉक्स अबाउट? कम्युनलिज्म ये कहता है कि भाई जो हिंदू है और मुस्लिम है, इन दोनों के रिलीजन अलग अलग है, और इन दोनों के रिलीजन अलग है इसके लिए इनके इंटरेस्ट कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, इनके बीच में कोई भी कॉमन इंटरेस्ट नहीं हो सकता, इनके बीच में कोई भी सेक्युलर इंटरेस्ट नहीं हो सकता, और इसके लिए सेक्युलर इंटरेस्ट नहीं हो सकता तो इसके लिए इनके साथ में जो नेशन है, जो राज्य है, वो भी ये लोग साथ में नहीं बसा सकते। ठीक है, सो बिकॉज हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर नॉट यूनाइटेड, बिकॉज दे हैव डिफरेंट रिलीजन, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, एंड दे कैन नॉट स्टे टुगेदर। ठीक है, तो ये दोनों कभी साथ में नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा भारत में बहुत चलती है। 1930 के दशक में आपको ये रहमत अली जैसे लोग मिलेंगे, अलामा इकबाल मिलेंगे। अलामा इकबाल का नाम सुना होगा साहब, तो कहते हैं ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1904 में अलामा इकबाल कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1910 तक आते आते वो कम्युनल बन जाएंगे और इनफैक्ट है ना मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करने की बात करेंगे। ठीक है, सो वी सी कि एक कम्युनलिज्म का जो भूत है, जो सांप्रदायिकवाद का भूत है, वो भारत के अंदर बहुत बढ़ेगा। और जितना कम्युनलिज्म का भूत भारत के अंदर बढ़ता है, जितना कम्युनलिज्म का भूत भारत के अंदर चलेगा, उसके कारण क्या होता है साहब? बहुत सारे हमको देखने को मिलेंगे इश्यूज क्रिएट होते हैं। ठीक है, इन डेवलपिंग द नोशन इट मे इन्फ्लुएंस बाय द हिस्ट्री ऑफ द टेंशन बिटवीन सम हिंदूज एंड द मुस्लिम ग्रुप्स इन द 1920s एंड 30s। ठीक है, तो एक कारण बोला गया है कि भारत में कम्युनलिज्म क्यों बढ़ा, भारत में कम्युनलिज्म क्यों बढ़ा, तो एक ही बोला गया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत सारे टेंशन इशू हुए थे, इनफैक्ट रायट्स हुए थे, अगर आपको थोड़ा बहुत इतिहास पता होगा। और ये रायट्स होने के कारण हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा एक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के बहुत सारे लीडर्स का मानना था कि देखो हिंदू और मुसलमानों के बीच में पहले भी दंगे हो चुके हैं, पहले भी रायट्स हो चुके हैं, इसके लिए हम लोग साथ में नहीं रह सकते। ठीक है, तो कम्युनलिज्म का जो भूत है, कम्युनलिज्म का जो भूत है, द गोस्ट ऑफ कम्युनलिज्म, मैं लिख रहा हूं, ये शब्द लिख रहा हूं, द गोस्ट ऑफ कम्युनलिज्म वॉज ओवरशेडोइंग द नेशनल मूवमेंट। 1940s तक आते आते गोस्ट ऑफ कम्युनलिज्म वॉज ओवरशेडोइंग द नेशनल मूवमेंट, एंड देर वॉज अ क्लास इन द मुस्लिम पॉपुलेशन हु वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द ओनली आई वुड से आउटकम कैन बी दैट हिंदूज एंड मुस्लिम शुड नॉट स्टे टूगेदर। द मोमेंट हिंदूज एंड मुस्लिम विल स्टे टूगेदर, दिस विल लीड टू राइट्स, दिस विल लीड टू द किलिंग, दिस विल लीड टू द मास मर्डर्स। तो ये जो सिचुएशन होती है, ये जो सिचुएशन होती है, इन सब को इसके साथ जोड़ा जाता है। इट इज ऑल इन फैक्ट रिलेटेड टू दिस पॉइंट, एंड इसी के द्वारा और इसी के आधार के ऊपर जब हम लोग चीजों को समझते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि मुस्लिम लीग के अंदर इनफैक्ट जो टेंशन का जो इशू था हिंदू मुस्लिम का, वो उभर के आता है। और दूसरा क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने इनफैक्ट कम्युनलिज्म, जो बंटवारे की बात क्यों की है इनडायरेक्टली, उसके पीछे की कहानी है 1937 के इलेक्शंस के अंदर। अब अगर आप देखोगे 1936-37 के इलेक्शंस के अंदर क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था, प्रीवियस क्लास के अंदर, और मैंने आपको बोला था कि 1937 में फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, याद आया कि नहीं आया? और भारत के 7 राज्यों के अंदर, कितने? 7 राज्यों के अंदर 1937 से लेकर 1939 तक, 1937 से लेकर 1939 तक कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनती है। प्रॉब्लम क्या था मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग नाम की जो पार्टी है
उसको कहीं पे भी मेजोरिटी नहीं मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? इन द 1937 इलेक्शंस मुस्लिम लीग कुड नॉट अचीव द मेजोरिटी इन एनी ऑफ द स्टेट्स। भारत के कोई भी राज्य के अंदर मुस्लिम लीग को मेजोरिटी नहीं मिलती है। बिकॉज मुस्लिम लीग कुड नॉट अचीव द मेजोरिटी इन एनी ऑफ द स्टेट्स, मुस्लिम लीग को भारत के कोई राज्य के अंदर मेजोरिटी नहीं मिली साहब। उसके कारण प्रश्न हुआ कि हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के साथ बहुत ही गलत हो गया साहब। मुस्लिम लीग की कंडीशंस बहुत ही, हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन में ये लोग फंस चुके थे कि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या किया जाए। ठीक है, हम हमारे साथ इनफैक्ट क्या हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये 37 से 39 का जो पीरियड है, 37 से 39 का जो पीरियड है, ये पीरियड के दौरान मुस्लिम लीग और कम्युनल बनेगी, वो और कट्टरवादी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग को लग रहा था कि ऑलरेडी हिंदू और मुसलमान जो है इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। उसके बाद वो देख रहा है कि भारत में रायट्स हो रहे हैं। उसके बाद 1937 के अंदर जब उन्होंने इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखे, जब उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट देखा, तो उनको पता चला है कि पब्लिक ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया है। क्या रिजेक्ट कर दिया है? पब्लिक ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया है और पब्लिक ने भी कहा है कि भाई हम तुमको कोई सरकार बनाने के लिए मौका नहीं देंगे। आप समझिए कि मुस्लिम लीग भारत के अंदर 1937 में जब कांग्रेस ने 7 राज्यों के अंदर सरकारें बनाई, तो मुस्लिम लीग गिन चुन के पंजाब के अंदर, पंजाब ही नहीं बंगाल के अंदर पावर के ऊपर आएगी। बंगाल के अंदर भी उसको वो है ना, ये गठबंधन करना पड़ता है, इट हैड टू डू एन अलायंस एट दैट टाइम इन बंगाल, तब जाके मुस्लिम लीग अपनी सरकार बना पाती है। तो यू कैन इमेजिन कि मुस्लिम लीग की कोई पॉलिटिकल वो पॉपुलैरिटी नहीं थी 1937 तक आते आते, और इसके कारण मुस्लिम लीग को लग रहा था कि हमारी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, लोग हमको नकार रहे हैं। तो आदमी जब अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए सर्वाइव कर रहा होता है, शब्द सुनिएगा मेरे, कि व्हेनेवर अ पर्सन इज ट्राइंग टू सर्वाइव फॉर हिज पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, दे विल गो टू एनी रिजॉर्ट। वो कोई भी इनफैक्ट है ना हथियार उठाएगा, वो कोई भी टूल का उपयोग करेगा कि उसकी बात मानी जाए, उसके आवाज को सुना जाए, उसके विचारों को स्वीकारा जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या हो रहा है साहब, 1937 तक आते आते जब इलेक्शंस का रिजल्ट हुआ, इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद मुस्लिम लीग को रिजेक्ट कराया गया। मुस्लिम लीग को जब रिजेक्ट कराया जाता है, व्हेन मुस्लिम लीग वाज रिजेक्टेड, मुस्लिम लीग और कम्युनल करने की शुरुआत करेगी। ठीक है, सो मोर इंपॉर्टेंटली द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 सीम टू हैव कन्विंस्ड द लीग दैट मुस्लिम्स वर अ माइनॉरिटी। अरे भाई तुम माइनॉरिटी में थे नो डाउट, बट तुमको पब्लिक ने ही रिजेक्ट किया था। अरे पंजाब जैसा स्टेट जहां पे मुस्लिम लीग आपकी पॉपुलर भी थी, वहां पे आपकी सिकंदर हयात खान की पार्टी जीत के आती है, यूनियनिस्ट पार्टी करके हुआ करती थी साहब। ये वो पार्टी थी जो इनफैक्ट पंजाब के किसानों के लिए भी फाइट करती और पंजाब के अंदर इलिट क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रही थी, पर मुस्लिम लीग को पब्लिक ने वोट नहीं दिया। तो वो सब चीजों से समझ में आता है कि क्या सिचुएशन हुआ करती थी। ठीक है, हैव कन्विंस्ड दैट मुस्लिम्स आर अ माइनॉरिटी एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले अ सेकंड फीडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुस्लिम लीग को एक चीज समझ में आ चुकी थी कि वो कोई भी, अगर भारत आजाद होता है और कल उठ के कांग्रेस को सत्ता मिली, ब्रिटिश सरकार जो है वो कांग्रेस को पावर ट्रांसफर करके जाएगा, तो मुस्लिम लीग हमेशा सेकंड फीडल ही रहेगा। सेकंड फीडल समझ में आता है? ठीक है, वो हमेशा कांग्रेस के नीचे ही रहेगा, उसका खुद का अपना पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। मुस्लिम लीग का खुद का पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ना हो और मुस्लिम लीग को पब्लिक नकार दे, तो मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आएगा। आपको कोई बोल देता है कि आपको किसी का है ना ऐसा क्या कहते हैं कि उसका उसका हाथ पकड़ के चलना है पूरी जिंदगी, आप क्या सोचोगे, यार मैं पूरी जिंदगी थोड़ी किसी का हाथ पकड़ के चलूंगा, हम भी इंडिपेंडेंट है, हम भी हमारे हिसाब से आवाज उठाएंगे। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया साहब, मुस्लिम लीग कहती है कि हम हमारे हिसाब से इनफैक्ट आंदोलन करने की शुरुआत करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि मुस्लिम लीग जो है वो अपने कम्युनल पॉलिटिक्स खेलने की शुरुआत करती है। अब देखो कम्युनल पॉलिटिक्स कैसे खोलती है उसको समझ में आता हो। ठीक है, इट फियर दैट मुस्लिम्स में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड। मुस्लिम लीग को क्या लग रहा था कि भाई साहब भारत के अंदर मुसलमान जो है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। अरे भाई क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, आपकी मुस्लिम लीग के सिवा और भी मुसलमानों की पार्टी थी जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, और वो लोग तो अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। इनफैक्ट भारत की आजादी की हम लोग जब बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो हमको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे लीडर मिले। अब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम सुना होगा आपने साहब, ही बिलोंग टू कांग्रेस, इनफैक्ट ही रिमेन द कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइम्स। तो वो सब सिचुएशन में हमको दिख क्या रहा है साहब? ठीक है, मुस्लिम लीग अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रही थी,
Muslim League was trying to play the communal politics. Getting my point? So the leagues at that time was playing the communal politics. और उस दौरान in fact Muslim League जब second fiddle पे आई तो Muslim League ने एक बार है ना Congress को letter लिखा. ये 1937 की बात है जब चुनाव हुए थे ना साहब 1937 के अंदर. तो ये चुनाव के दौरान बहुत सारा discussion हुआ और discussion के द्वारा चर्चा ये हो रही थी कि अब आगे क्या किया जाएगा, किस तरह से in fact बातें चलती रहती है. Getting my point है ना? तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम कि 1937 के अंदर जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, जब इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं तो मुस्लिम लीग को बहुत ही कम वोट्स मिलते हैं. अब मुस्लिम लीग उस टाइम पे सरकार बनाना चाहती थी भारत के राज्यों के अंदर. ही दे वॉन्टेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक है, मतलब जो भी राज्यों के अंदर इनको मौका मिले. तो एक स्टेट हुआ करता था यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस. दिख रहे हैं आपको यूपी, जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश आज की तारीख में कहते हैं, पहला यूनाइटेड प्रोविंस करके एक स्टेट हुआ करता था. ये यूनाइटेड प्रोविंसेस नाम के जो स्टेट था वहां पे एक बार जिन्ना ने इनफैक्ट नेहरू जी को लेटर लिखा और नेहरू जी को लेटर लिखने के बाद क्या कहा कि हम आपको मदद करेंगे कि आप सरकार बनाइए यूपी के अंदर. कांग्रेस कहती है कि भाई हमारी मेजोरिटी है यूपी के अंदर. क्या हुआ था, यूपी के अंदर कांग्रेस को ऑलरेडी मेजोरिटी थी. अब जो पार्टी को मेजोरिटी होती है वो क्यों किसी और का सपोर्ट लेके सरकार बनाने की मदद करेगी. गेटिंग माय पॉइंट नॉट? आप समझने की कोशिश करो. आज की तारीख में बीजेपी के पास मेजोरिटी है लोकसभा के अंदर, तो वाई वुड बीजेपी ट्राई टू सीक द हेल्प ऑफ द अदर पार्टीज इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. भाई उनके पास 300 एमपीज है आज की तारीख में. तो वही बात आपकी मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ थी. 1937 के अंदर मुस्लिम लीग को है ना बहुत बड़ा झटका पड़ गया. झटका समझ में आता है, जोर का झटका धीरे से लगे भाई. ये तो जोर का झटका बहुत जोरों से लगा था. इट वॉज अ जोर झटका. इट वॉज हैविंग अ वेरी बिग इंपैक्ट ऑन द मुस्लिम लीग, क्योंकि पब्लिक ने नकार दिया. दे वॉन्टेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए. उसके बाद कम्युनल राइट्स का कार्ड खेलने की शुरुआत की. तो क्या होता है कि इनफैक्ट 1937 तक आते आते मुस्लिम लीग इतनी नाराज हो चुकी थी, जिसको मुस्लिम लीग को लग रहा था कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है. और इवन कांग्रेस के साथ हमने जो गठबंधन करने की कोशिश की थी, क्या किया था, दे ट्राइड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द कांग्रेस. एक अलायंस वाली गवर्नमेंट इन्होंने बनाने की कोशिश की थी इन द यूपी, दैट इज नोन एज द यूनाइटेड प्रोविंसेस. इन द यूपी दैट इज नोन एज द यूनाइटेड प्रोविंसेस, वहां पे भी इनफैक्ट कांग्रेस ने भी नकार दिया. तो क्या होता है कि मुस्लिम लीग 1937 के बाद पूरी तरह से इनफैक्ट है ना 3D की कंडीशन में आ चुकी थी. समझ में आता है, डिसइंटीग्रेटेड, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड डीमोरलाइज, टूटने के कगार के ऊपर है, पूरी तरह से डीमोरलाइज हो चुकी है. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हमारे साथ क्या हो रहा है. और इस तरह से हमको ये देखने को मिला कि मुस्लिम लीग की जो कंडीशन है बहुत ही खराब थी. अब मुस्लिम लीग की कंडीशन बहुत खराब है 1937 से लेके, मुस्लिम लीग ने एक ही गेम खेलने की शुरुआत की, वो था रिलीजियन कार्ड. समझे कि नहीं समझे, ठीक है. और रिलीजन के अंदर क्या कहा कि देखिए मुसलमान खतरे में है, मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है. अगर भारत के अंदर आज़ादी मिलती है तो इनफैक्ट हिंदू मेजोरिटी स्टेट के अंदर मुसलमान को रहना पड़ेगा, और भारत के अंदर हमेशा मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में देखा जाएगा. तो ये प्रकार का एक माहौल बनाया गया. और ये माहौल के कारण ही 1940 तक आते आते मुस्लिम लीग ने अपना फेमस लाहौर का रेजोल्यूशन पास किया. ये लाहौर के रेजोल्यूशन के द्वारा भारत के अंदर एक नई शासन पद्धति के तहत उन्होंने पाकिस्तान तो नहीं पर मैं कहूँगा एक सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी की डिमांड की. लेटर ऑन इसका नाम पाकिस्तान रखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी किसी ने शब्द के रूप में यूज़ किया था. किसने यूज़ किया था, 1933 के अंदर रहमत अली इनफैक्ट वॉज दी पर्सन जिन्होंने ये पाकिस्तान नाम के शब्द का मैंशन किया था. ठीक है, अब देखिए क्या होता है, भारत में कम्युनलिज्म क्यों बढ़ा, Why the communalism increased in India? उसके पीछे का दूसरा कारण हमको ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस खुद भी रिस्पॉन्सिबल थी. कांग्रेस क्यों रिस्पॉन्सिबल थी, उसके पीछे का कारण आपको बताता हूँ. एनसीईआरटी कहती है द कांग्रेस हैड अ फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस. इनफैक्ट कांग्रेस के अंदर भी ये हुआ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो लार्ज स्केल पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है. क्यों नहीं कर पाती, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, बट कांग्रेस एक बहुत ही इलीट लोगों की पार्टी बन गई थी, ऐसा विद इन नेशनल मूवमेंट बहुत सारे लोगों का मानना है. विद इन द नेशनल मूवमेंट देर इज अ क्लास ऑफ पीपल हु आर ऑफ द ओपिनियन दैट कांग्रेस हैड लिटरली बिकम द पार्टी ऑफ द इलीट्स, मतलब हो ना कुलीन लोगों की पार्टी बन गई थी.
ऐसे लोगों की पार्टी बन गई थी जहां इनफैक्ट अमीर लोग ही इनफैक्ट पावर के ऊपर रहेंगे, ठीक है। सो 1930s के अंदर हमको देखने को मिलता है कि कांग्रेस एक इलीट पार्टी थी, या उसका जो मुसलमानों के साथ जो जो रिएक्शन होना चाहिए, जो संवाद होना चाहिए, नहीं हो पा रहा था। इसके कारण मुस्लिम लीग ने मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अपना है ना जो सोशल आउटरीच है वो बढ़ा दिया। तो ऐसे भी मुसलमान थे तो रिलीजन का एक कार्ड खेला। उसके बाद कांग्रेस जाया नहीं मुसलमानों के लिए सपोर्ट गेन करने के लिए, गेटिंग अ पॉइंट। तो इन दिस सिचुएशन वी सी कि 1940s के दौरान कांग्रेस के ज्यादातर लीडर जेल के अंदर थे बिकॉज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तब मुस्लिम लीग भारत के अंदर जहां मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे वहां पे लोगों को प्रोवोक करने की शुरुआत करती है, वहां लोगों को कहती है कि देखिए तुम इनफैक्ट भारत के साथ रहोगे अगर तुमने कांग्रेस का साथ दिया तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि कांग्रेस आपको एक सेकेंड क्लास सिटीजन के रूप में कंसिडर करेगी, आपको कोई राइट्स वाइट्स नहीं होगे। और इसी के कारण क्या होता है 1945 तक आते आते भारत के अंदर नेशनल मूवमेंट के अंदर मुस्लिम लीग जो है एक प्रोमिनेंट फोर्स के रूप में उभर के आएगी, ठीक है। सो मुस्लिम लीग विल बिकम अ प्रोमिनेंट फोर्स इन इंडिया बाय द ईयर 1945। 1945 तक आते आते हमको क्या देखने को मिला, 1945 तक आते आते भारत की आज़ादी का आंदोलन अब बदल जाता है। एंड फ्रॉम द ईयर 1945 ऑनवर्ड्स वी फाइंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल बी ऑन द टॉप। दूसरी साइड के ऊपर हम लोग देखते हैं तो मुस्लिम लीग नाम की जो पार्टी है वो मुस्लिम लीग नाम की पार्टी अब बोलेगी कि हमको मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट चाहिए। और तीसरी साइड के ऊपर हम लोग दया देखते हैं तो तीसरी साइड के ऊपर हमको मिलता है कांग्रेस। ये लीडर्स भी ट्रेडिशनली डिस्कशन कर रहे थे और इन सब के बीच में भारत की अब आज़ादी कैसे चलेगी उसको लेके बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू सी अब क्या होता है, गेटिंग अ पॉइंट नॉट। अब देखिए क्या हुआ, 1945 में भारत की सरकार ने एक प्रपोजल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इनफैक्ट ये जो प्रपोजल था इसे हम लोग कहते हैं वेवल प्लान। क्या कहते हैं, वेवल प्लान। वेवल प्लान के तहत वाइसरॉय वेवल ने, इनफैक्ट इंडिया के जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे वाइसरॉय, उन्होंने शिमला के अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। क्या कहा, शिमला की कॉन्फ्रेंस बुलाई। और शिमला में कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद मुस्लिम लीग को एक प्रपोजल दिया कि कुछ ऐसी प्रकार की सरकार बनाएंगे और जहां पे तुम्हारा भी रिप्रेजेंटेशन होगा, किसका, मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, हिंदू का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, और ऊपर तो हम बैठेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो तो बैठेगा ही, इनफैक्ट जो आपको शासन चलाने में मदद करेगा। मुस्लिम लीग का एक ही डिमांड था कि भाई हम जो है हमारा एक अलग से कंट्री होना चाहिए, तब जाके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द ईयर 1945, द गवर्नमेंट ट्राई टू हैव नेगोशिएशंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग फॉर ए इंडिपेंडेंस इंडिया, कि भाई कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस करेंगे और भारत की सरकार कैसी होगी। प्रॉब्लम ये हो गया था कि ये जो पूरी की पूरी नेगोशिएशंस थी वो नहीं चल पाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग का एक ही क्लियर कट मानना था कि दे आर द सोल स्पोक्स पर्सन फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया। भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके सबसे पहले ठेकेदार वही है, वो जो बोलेंगे वही भारत के लोगों के लिए सही है, गेटिंग अ पॉइंट। तो एक प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलती है कि वेवल प्लान के अंदर नहीं चल पाती है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होने की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग एट दैट टाइम, ठीक है, 1945 के आसपास का पीरियड है, 1945 के आसपास का पीरियड है, और ये पीरियड के दौरान हमको देखने को मिलता है कि एक डिस्कशन हुआ जहां पे राजगोपालचारी और इनफैक्ट गांधी जी के बीच में चर्चा चली। राजगोपालचारी और गांधी जी के बीच में चर्चा चलने के बाद सी राजगोपालचारी ने अपना प्लान दिया जिसे हम लोग कहते हैं सीआर प्लान। क्या कहते हैं, सीआर प्लान, याद रखेगा। ये सीआर प्लान 1945 के अंदर आया, और ये सीआर प्लान के अंदर सी राजगोपालचारी ने मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसको सेटल कराने की कोशिश की, पर चल नहीं पाता है, ठीक है। सो वी फाइंड कि इसका एक अंदर फोटोग्राफ दिया गया है गांधी जिन्ना टॉक्स का, और गांधी जिन्ना टॉक्स के अंतर्गत सी राजगोपालचारी इज सीन टॉकिंग टू महात्मा गांधी, और उस दौरान हमको इनफैक्ट सी राजगोपालचारी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके बारे में भी नेशनल मूवमेंट के अंदर लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा गया है, अ वेटरन नेशनलिस्ट एंड लीडर ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह इन द साउथ। अगर आपको जानकारी होगी तो 1930 के अंदर जब आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई तो आज का जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहां पे नमक का सत्याग्रह किसी ने किया था, तो किसने किया था, राजा जी ने ही किया था, सी राजगोपालचारी ने ही किया था, ठीक है। सो ही इज नोन एज द राजा जी, सर्व्ड एज द मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946 एंड एज द फ्री इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो भारत को जब आजादी मिली उसके बाद इनफैक्ट
माउंटबेटन जो था वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में कंटिन्यू रहता है। माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालचारी भारत के सबसे आखिर के गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 1950 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अनेक कर दिया उसके बाद तो चुनाव होते हैं, फिर राजेंद्र प्रसाद साहब आपके प्रेसिडेंट के रूप में आएंगे। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको राजगोपालचारी के बारे में पता होना चाहिए कि उनका डिस्कशन था, उन्होंने काफ़ी बातें डिस्कस की और अपना एक प्लान दिया था। क्या नाम था? सी आर प्लान। इनफैक्ट द वे आउट करके उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। क्या लिखा था? द वे आउट करके उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। ये आर्टिकल के अंदर उन्होंने अपने विचार दिए थे कि कैसे भारत को आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है, इसके सिवा हम लोग जब बात करते हैं तो गांधी और जिन्ना के बीच में काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई। ये गांधी और जिन्ना के बीच में डिस्कशंस कब होते हैं साहब? 1944 के अंदर बॉम्बे के अंदर होंगे। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? अब देखिए, गांधी और जिन्ना के बीच में डिस्कशंस हुए, वो डिस्कशंस में एक पॉइंट चर्चा में था कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो एक टाइम के ऊपर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जाने जाते थे, एक ऐसा लीडर जो कहता है कि हिंदू और मुसलमान एक ही है आखिर के अंदर और सब लोग है ना एक यूनिटी के रूप में रहना चाहिए, वो बंदा पूरी तरह से कम्युनल कैसे बन गया? ठीक है, तो जिन्ना की स्टोरी तो बहुत लंबी है, कभी प्लस कोर्स के अंदर आना तो आपको समझाऊंगा कि उनका इतिहास कैसे रहा है, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसे रहा है, वो क्यों कम्युनल बनते हैं। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, कायदे आजम के रूप में कहा गया है पाकिस्तान के अंदर। बट मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ ऐसा हुआ कि वो एक होता है ना कि 1916 में या उसके पहले 1906 में जब कलकत्ता सेशन हुआ कांग्रेस में, तो तब तो आपके दादाभाई नौरोजी के सेक्रेटरी थे और धीरे 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 उनके अंदर कम्युनलिज्म का एक पूरा गेम चलता है। ठीक है, 1934 के अंदर ये इनफैक्ट मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं और उसके बाद 1940s तक आते आते इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को और मजबूत किया और इन्होंने कहा कि हमको पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, तो गांधी और जिन्ना के बीच में डिस्कशन भी हुआ था, पर ये डिस्कशन में जो दरार है वो बढ़ जाती है क्योंकि इनका मानना था कि हमको एक सेपरेट कंट्री चाहिए फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। जब तक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट कंट्री नहीं मिलेगा, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, हम लोग नहीं रुकेंगे जब तक हमको ये कंट्री ना मिले। ठीक है, तो ये बहुत सारे इश्यूज थे इसके अंदर, तो हमको देखने को मिलता है कि एक चर्चा भी इसके अंदर चलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एट दैट टाइम। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग उसको थोड़ा बहुत समझते हैं। अब देखिए क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग एट दैट टाइम। 1945 से लेकर 1946 का पीरियड आया, 1945 से लेकर 1946 का पीरियड आया और 1946 के अंदर फिर से भारत में चुनाव होते हैं। क्या होता है? चुनाव होता है। अब देखिए 1937 के अंदर इलेक्शंस हुए थे, मैंने आपको बताया था, और 1937 में जो इंडिया में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, ये प्रोविंशियल इलेक्शंस में क्या हालत हो गई थी, तो मैंने आपको बताया था कि 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस में कांग्रेस 7 राज्यों के अंदर सरकार बनाती है, 7 स्टेट्स के अंदर भारत सरकार बनाएगी कांग्रेस। मुस्लिम लीग गिन के इनफैक्ट एक स्टेट में बनाएगी, वो भी अलायंस वाली गवर्नमेंट थी। अलायंस वाली का मतलब क्या है कि उन्होंने गठबंधन किया था और गठबंधन करने के बाद इनफैक्ट अपनी सरकार बनती है। अब जब 1937 के बाद फिर से ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने डिक्लेयर किया 1946 के अंदर कि हम लोग भारत में फिर से इलेक्शन कराएंगे। ठीक है, फिर से प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे। क्या होंगे? इलेक्शंस होंगे, भारत के जितने भी राज्य है, प्रोविंसेस है, वहाँ पे हम लोग इलेक्शंस कराएंगे। कितने राज्य थे साहब? 11 राज्य हुआ करते थे, देयर वर 11 स्टेट्स। ये 11 राज्यों के अंदर इलेक्शंस कैसे होंगे, अब इसके बारे में अब चर्चा होती है। अब देखिए व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो वी फाइंड 1946 तक आते आते भारत के अंदर फिर से प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए। अब देखो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, दो पार्टीज थी जो कंटेस्ट कर रही थी, एक तो थी कांग्रेस और कांग्रेस के सामने कौन सी थी? मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग के लिए फ़ायदा क्या था, व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के लिए फ़ायदा ये था कि इनफैक्ट मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले गए थे। याद आया कि नहीं आया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स के तहत हमको क्या देखने को मिला, मुस्लिम लीग जो है उसके लिए सीट्स रिजर्व थी मुसलमानों के लिए। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर, मॉर्वे मिंटो रिफॉर्म से शुरू हुआ था, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के बाद तो और बढ़ गया था। तो व्हेन दी सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज गिवन टू द मुस्लिम कम्युनिटी, तो मुसलमानों के लिए सीट्स रिजर्व थी, उनके लिए वोटिंग राइट्स रिजर्व थे, ये सब चीज़ें बहुत ही एक वो है ना कि कॉमन हो चुकी थी और इसके कारण मुस्लिम लीग ने पूरा कम्युनल गेम कार्ड खेला। मुस्लिम लीग ने एक ही चीज़ कहा कि देखो हम तो संप्रदाय के आधार के ऊपर चुनाव लड़ना है, हमको पाकिस्तान बनाना है, हम कैसे भी करके चुनाव के अंदर पाकिस्तान की डिमांड को हाईलाइट करेंगे। और उसके कारण कांग्रेस है उसने जनरल सीट्स में अच्छा काम किया। जनरल सीट्स का मतलब क्या होता है साहब? व्हाट डू मीन बाय द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज? जनरल कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब ये होता है कि ऐसी सीट्स जहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा, दो सीट्स विच डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, जो आज की तारीख में भी है ना साहब, हम लोग कहते हैं ना देर आर सीट्स विच आर ओपन,
कुछ कुछ सीटें ऐसी होती है जो ओपन होती है, जहां पे कोई भी बंदा चुनाव लड़ सकता है, पर कुछ कुछ सीट्स ऐसी होती है जहां पे खाली आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आज की तारीख में रिजर्वेशन है। पहले के टाइम के अंदर मुसलमानों के लिए, पारसी के लिए, सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, लेटर ऑन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, सबके लिए अलग से इन्होंने रिजर्वेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। ठीक है, तो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था ब्रिटिश के दौरान। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, कहां कहां पे अच्छा हुआ, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जहां पे आपकी मुस्लिम मेजोरिटी सीट से वहां पे उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। अब मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड किया साहब, एक ही चीज का डिमांड किया, और वो कहा जाता है क्या, पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। अब देखिए क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड को रखते हुए दंगे कराए भारत में, बहुत बड़ी मात्रा में दंगे होते हैं। तो कम्युनलिज्म से हमको एक चीज देखने को मिलती है कि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में रायट्स होंगे। ठीक है, अब जब रायट्स हो रहे हैं 1940s के दौरान भी, तो ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में ना बहुत राड़ा राड़ी हो रही है, हमको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या होता है 1946 के मार्च महीने में, आपको यहां से समझाता हूं, 1946 के मार्च महीने तक आते आते, फरवरी मार्च महीने तक आते आते, व्हेन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वर हैविंग सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड थी, क्या डिमांड थी साहब, कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको पूरी तरह से पाकिस्तान की डिमांड चाहिए, पाकिस्तान के सिवा हम लोग कोई भी चीज़ को नहीं स्वीकारेंगे। तो उसके कारण क्या होता है कि कांग्रेस भी कहती है कि भाई हमको पार्टीशन पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग शांति प्रिय रूप से यूनाइटेड इंडिया की ही डिमांड करते हैं, वी डू नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ पार्टीशन। बट गवर्नमेंट ने उस टाइम पे देखा कि बहुत बड़ा लफड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है, बहुत सारा क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया साहब, गवर्नमेंट ने इनफैक्ट एक मिशन भेजा जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के अंदर तीन लोग आते हैं, देयर विल बी थ्री मेंबर्स इन द कैबिनेट मिशन। ये तीनों के तीनों मेंबर्स के अंदर आपको एवी अलेक्जेंडर मिलेगा, स्टेफर्ड क्रिप्स मिलेगा, पैथिक लॉरेंस जैसे लोग मिलेंगे जो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर उनका काफ़ी अपना दबदबा था। इनफैक्ट एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स तो पहले भी आया था 1942 के अंदर, फिर पैथिक लॉरेंस जो है आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, तो ये वो लोग थे जिनको भारत के अंदर भेजा जाता है। तीन मेंबर की टीम थी, ये तीनों को कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के अंदर भेजा जाता है। कब भेजा जाता है, तो फरवरी मार्च 1946 में। कब भेजा जाता है, फरवरी मार्च 1946 में, फरवरी में अनाउंसमेंट हुआ था, मार्च 1946 में इनको इंडिया भेजा गया। अब देखो इनको इंडिया भेजा गया, पिक्चर बहुत क्लियर कट था कि अब भारत के अंदर क्या करना है, गेटिंग अ पॉइंट नोट है ना। सो इन द मार्च 1946 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ थ्री मेंबर मिशन टू दिल्ली। ब्रिटिश सरकार ने तीन लोगों की एक कमेटी भेजी भारत के अंदर, और ये कमेटी के अंदर भारत के अंदर किस प्रकार से एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, किस प्रकार से पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, भारत को कैसे आज़ादी मिल सकती है, उन सब के ऊपर अपना प्रपोजल तैयार कराने की बात की। ठीक है, अब देखिए कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था, व्हाट डिड द कैबिनेट मिशन रेकमेंडेड। कैबिनेट मिशन ने रेकमेंड किया कि इंडिया शुड बी यूनाइटेड। क्या होता है, इंडिया शुड बी यूनाइटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज अ लूज कॉन्फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। एक बार क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स रिकमेंडेड द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखेगा कि कैबिनेट मिशन ने पार्टीशन को कभी डायरेक्टली नहीं स्वीकारा, कैबिनेट मिशन ने पार्टीशन को कभी डायरेक्टली नहीं स्वीकारा। दिस इज द फर्स्ट थंब रूल ऑफ द कैबिनेट मिशन जो आपको समझना जरूरी है। दूसरा पॉइंट कैबिनेट मिशन से हमको क्या देखने को मिलता है, सेकंड पॉइंट वो कहता है कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए पर पार्टीशन नहीं होना चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसने कॉन्फेडरेशन की बात की थी। एक्चुअली कैबिनेट मिशन ने भारत में तीन ग्रुपिंग बनाने की बात की थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस प्रकार के तीन ग्रुपिंग के द्वारा भारत को आज़ादी क्या है कि एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे। ग्रुप ए के अंदर वेस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेज होंगे, ग्रुप बी के अंदर आज के यूपी, सीपी, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, ये सब रीजन होंगे, और ग्रुप सी के अंदर आपका बंगाल और आसाम जैसे रीजन्स होंगे। ठीक है, और इन तीनों के बीच में एक फेडरेशन बनेगा, कॉन्फेडरेशन बनेगा, एक महासंघ बनेगा जिसमें पावर स्टेट्स के पास ज्यादा होगा, रेसिड्यूरी पावर जो है वो स्टेट्स के पास ज्यादा होगा। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये तीन मुद्दे ऐसे हैं जो खाली सेंटर के पास रहेंगे। ठीक है, पर मुस्लिम लीग को लग रहा था, मुस्लिम लीग को लग रहा था कि भाई साहब हमको इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के तहत हमको पाकिस्तान की डिमांड चाहिए। ठीक है, सो देर वर सम प्रपोजल्स विच वर गिवन बाय द कैबिनेट मिशन, देर वर सम प्रपोजल विच वर गिवन बाय द कैबिनेट मिशन, बट कांग्रेस इसके साथ तैयार थी ना ही मुस्लिम लीग तैयार थी, और इसी के कारण हमको देखने को मिलता है 1946 तक आते आते
1946 तक आते आते 1946 के मिडल पोर्शन तक आते आते भारत में बंटवारा होना अब अनिवार्य था, इट वॉज इनएविटेबल। सूनर और लेटर इंडिया में पार्टीशन होने वाला था, क्योंकि हर एक प्लान फेल हो जाता है। मुस्लिम लीग को लग रहा था कि भाई हमारी पाकिस्तान की डिमांड नहीं स्वीकारी जाती है, अगर हमारी पाकिस्तान की डिमांड नहीं स्वीकारी जाती है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, और एक ऐसा आंदोलन करेंगे जहां पर रायट करना पड़े तो रायट करेंगे, खून खराबा होना चाहिए तो खून खराबा करेंगे, पर पाकिस्तान की डिमांड को लेके रहेंगे साहब, ठीक है। सो मुस्लिम लीग एट दैट टाइम वॉज वेरी मच एडमेंट, वो इतनी एडमेंट थी और उसको है ना खाली एक ही चीज़ चाहिए थी कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन ने जब अपना प्रपोजल दिया, मुस्लिम लीग जो है वो उससे नाराज़ हो चुकी थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को लग रहा था कि हमारी पाकिस्तान की डिमांड कैबिनेट मिशन ने नहीं मानी है। एंड टू हैव द मास एजिटेशन ऑन द डिमांड फॉर पाकिस्तान, इनफैक्ट जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 के दिन एक नया डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की। क्या कहते हैं? सीधी कार्रवाई। अब व्हाट डू मीन बाय द वर्ड सीधी कार्रवाई है, किसे कहते हैं साहब सीधी कार्रवाई? जिन्ना कहता है कि जब तक पाकिस्तान ना मिले मुसलमानों को घर से बाहर निकलना चाहिए और दंगा करना चाहिए, खून खराबा करना चाहिए, पर पाकिस्तान की डिमांड को स्वीकारना चाहिए। अगर इनफैक्ट सरकार पाकिस्तान की डिमांड को नहीं स्वीकारती है तो हम उसको मजबूर करेंगे कि वो पाकिस्तान की डिमांड को स्वीकारे। सरकार क्या, इनफैक्ट ब्रिटेन की जो वहां की रानी है उनको भी स्वीकारना पड़ेगा, हम ऐसा कांड करेंगे इंडिया में। और बहुत बड़ी मात्रा में राइटिंग करने की शुरुआत की। इतनी बड़ी मात्रा में राइटिंग होती है अक्टूबर 1946 से, तो आप बात मत करिए, मतलब 16 अगस्त से ही शुरू हो चुका था, और करीबन नहीं नहीं करके 2-3 लाख से लोग ज़्यादा मारे गए। इनफैक्ट अकेले कलकत्ता के अंदर, आपकी मुस्लिम लीग की सरकार थी उस टाइम पे बंगाल के अंदर, क्योंकि 1946 में इलेक्शंस हुए थे, ये कलकत्ता के अंदर ही सुहारवादी एट द टाइम वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कहते थे, मतलब राज्यों के अंदर जो सीएम थे उसको पीएम की पोस्ट दी गई थी, और जो प्रीमियर कहते थे उनको, तो सुहारवादी, और उन्होंने बहुत बड़ा कत्लेआम कराया था बंगाल के अंदर, बहुत बड़ा राइटिंग हुआ और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉज स्लॉटर्ड इन अ डे। ये कंडीशन में 1947 तक आते आते भारत में सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई, और इनफैक्ट 1947 में फरवरी महीना जो था, फरवरी 1947 में सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई, और उस दौरान ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। क्या नाम था? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली ने देखा कि यार भारत के अंदर बहुत बड़ा दंगा फसाद हो रहा है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इनके बीच में कंटिन्यूसली कन्फ्लिक्ट चल रहा है, भारत के अंदर शासन व्यवस्था पूरी तरह से खड्डे में चली गई है। क्लेमेंट एटली ने भारत के अंदर एक वाइसरॉय को भेजा जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, और माउंटबेटन को कहा कि तुम डिसाइड करके बताओ कि भारत को कब आज़ादी मिलेगी। ये जो माउंटबेटन था वो देख रहा है कि भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा हो रही है, कितने सारे हजारों लोग मारे गए, मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड है कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़कर रहेंगे पाकिस्तान, है ना, वो पूरी तरह से पाकिस्तान की वो पीछे पगला गए थे। और इतना खून खराबा हुआ, हिंदू और मुसलमान जो सदियों से एक दूसरे के नज़दीक में रह रहे थे, एक दूसरे के नेबर थे, रोटी बेटी का रिश्ता हुआ करता था, वो रातों रात बदल गया। धर्म का जो भूत लोगों के ऊपर चढ़ता है साहब, तो कुछ चीज़ों को छोड़ता नहीं है। 47 एक ऐसी घटना थी 1947 में, जहां वेस्टर्न पार्ट पंजाब वाले रीजन में और ईस्टर्न पार्ट बंगाल वाले रीजन में, जहां सालों से सदियों से इनफैक्ट हिंदू और मुसलमान साथ में रह रहे थे, उन सब के अंदर कत्लेआम मिसने की शुरुआत होगी। और ये प्रोवोकेशन हुआ था यहां से ही, तो मुस्लिम लीग ने अपना डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की थी। एक साइड के ऊपर गांधी जी कह रहे हैं कि अहिंसा करनी चाहिए, पर कौन सुनेगा साहब आपकी, कोई नहीं सुन रहा था। माउंटबेटन देख रहा है कि इंडिया में बहुत बड़ा राड़ा राड़ी हो रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग कभी फ्यूचर के अंदर साथ में रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हिंदू और मुसलमानों की एक आइडेंटिटी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई क्रिएट की गई थी, देयर वाज अ ह्यूज आई वुड से वो है ना कि एक बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट किया गया था जहां हिंदू और मुसलमान कभी साथ में ही नहीं रह पाएगा।
हिंदू मुसलमान कभी साथ में नहीं रह पाएगा, एक पूरा आधार बनता है, एक पूरी एक विचार बनता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी खाई क्रिएट की जाती है। देयर वाज अ ह्यूज गल्फ दैट वाज क्रिएटेड एंड इन दिस सिचुएशन जब माउंटबेटन इंडिया में आया फरवरी के अंदर आता है, फरवरी 1947 में माउंटबेटन को बहुत क्लियर कट कहा गया कि तुम जाके इंडिया का सॉल्यूशन लाओ। ये माउंटबेटन देख रहा है कि क्या सिचुएशन है। उसने 3 जून 1947 के दिन, याद रखेगा 3 जून 1947 के दिन, अपना एक प्लान दिया, दैट इज नोन एज माउंटबेटन प्लान। क्या प्लान है? माउंटबेटन प्लान, खुद के नाम का ही प्लान दिया। माउंटबेटन कहता है कि देखिए यार, मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझे नहीं लग रहा है कि हिंदू और मुसलमान साथ में रह सकते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग कभी साथ में सरकार चला सकती है। और उसी ने ही कहा कि 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन वी विल हैव पार्टीशन इन द कंट्री, भारत के अंदर हम लोग पार्टीशन करेंगे और पूरी तरह से देश का बंटवारा हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कैबिनेट मिशन प्लान ने ही रेकमेंड की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रेकमेंड किया था कैबिनेट मिशन प्लान ने 389 मेंबर्स के साथ, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो बंटवारे हुए, 99 मेंबर्स वहां पे गए, बाकी के 290 मेंबर्स यहां पे रहते हैं, और यहां पे करीबन 299 मेंबर्स ने इनफैक्ट अपना वो चलाया। नेहरू जी ने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रख दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत। 15 अगस्त के दिन जब पार्टीशन हुआ, तब तक बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन हुआ, और इस तरह से जो कंट्री को आपने कॉन्कर किया था बाय द यूज ऑफ स्वॉर्ड, कब किया था? 1757 में शुरू हुआ था, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। वो कंट्री को आपने 200 साल रूल किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप टिल 1947। इस कंडीशन में आपने इंडिया को छोड़ा है, ये कंडीशन में इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की जान गई, ये कंडीशन में आप इतने लोगों को माइग्रेट कराते हो, वहां से पाकिस्तान से इंडिया में लोग माइग्रेट हुए, इंडिया से लोग पाकिस्तान में माइग्रेट हो रहे हैं, मुसलमान यहां से वहां जा रहा है, हिंदू वहां से यहां आ रहा है, हिंदू सिख पॉपुलेशन जो है, उसके लिए आपने कोई प्रोविजंस नहीं किए, आपने कोई ध्यान नहीं रखा कि क्या सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर, और बंटवारा कर दिया। और बंटवारा भी कैसे किया? हाउ यू डिसाइडेड टू, आई वुड से, डिसइंटीग्रेट द कंट्री। आपने एक बाउंड्री कमीशन की रचना की सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, एक ऐसा बाउंड्री कमीशन जिसके जो जज थे, जिन्होंने इनफैक्ट बंटवारा करना था, वो कभी इंडिया आए नहीं, ना ही उन्होंने ग्राउंड के ऊपर सर्वे किया कि कौन सा घर कहाँ पे जा रहा है, कौन सा गांव जहाँ जा रहा है। जो जो मुस्लिम बहुल इलाका था उसको पाकिस्तान का ऐसा बॉर्डर खींच दिया, जो हिंदू बहुल इलाका था उसको इंडिया का बॉर्डर दे दिया गया। अरे भाई, ऐसा कैसे? लोगों के घर डिवाइड हो गए, खेत डिवाइड हो गए, फैमिली डिवाइड हो गए, देखना तो पड़ेगा आपको। तो ये सिचुएशन में बहुत लोग ट्रांसफ़र होते हैं, पार्टीशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवाइड हो गई, और भारत का इतिहास पूरी तरह से बदल जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग पंजाब से दिल्ली की तरफ आए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब पंजाब चला गया था मेजॉरिटी, लाहौर जैसा सिटी, अमृतसर तो इंडिया में आया, लाहौर तो वहाँ चला गया साहब। ये सब सिचुएशन में फाइनली हमको देखने को मिला कि जो पार्टीशन होता है, ये पार्टीशन बहुत ही ब्लडी पार्टीशन हुआ था। लाखों लोग अपना घर बाहर छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर आए। प्रश्न ये था कि अब इनको कैसे बसाया जाएगा। प्रश्न ये था कि एक ऐसा देश जो बहुत बुरी तरह से उसको एक्सप्लॉइट किया गया था, एक ऐसा प्रदेश जिसका बहुत शोषण हुआ था, वो प्रदेश के लोग अब कैसे एक नए भारत को लिखेंगे। सो इन दिस सिचुएशन वी सी कि बहुत सारे इनफैक्ट लोग अपना घर छोड़ के आते हैं। पार्टीशन के बाद हमको देखने को मिलता है कि अब नया कंट्री उभर के आएगा, और भारत के लोगों को जो आज़ादी की जो उत्साह थी, उतना ही दुख था कि देश का बंटवारा भी हुआ। और इस तरह से हमारा नेशनल मूवमेंट का जो लास्ट पॉइंट है वो कंक्लूड हुआ। ये नेशनल मूवमेंट का जब पॉइंट कंक्लूड होगा, तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दिए हैं, ये फोटोग्राफ के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देश का जब बंटवारा होता है, व्हेन द कंट्री विल बी गेटिंग इंडिपेंडेंट, तो वी सी के नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बना, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान बना, और ये जो रीजन है यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान बनता है। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर जब आपका वेस्ट पाकिस्तान बन रहा था, तो यहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। कहाँ पे? ये वाला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस,
नाम सुना होगा आपने, उसको खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, यहां के लोग चाहते थे कि हमको इंडिया में मर्ज होना है, वी डू नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन पाकिस्तान। और उनके एक बहुत ही फेमस लीडर थे जिनके बारे में एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है, नाम है खान अब्दुल गफार खान। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ही वॉज अ पश्तू लीडर इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस शुड मर्ज विथ इंडिया रेदर देन ज्वाइनिंग विथ पाकिस्तान। बट द प्रॉब्लम वॉज कि दिस रीजन वॉज ज्योग्राफिकली कनेक्टेड विथ पाकिस्तान रेदर देन इंडिया। ज्योग्राफिकली वो पाकिस्तान के साथ बाजू वही रीजन था साहब, तो देर वॉज नो पॉसिबिलिटी कि उसको मर्ज कर पाए। तो ये एक इश्यू रह गया था। इनको फ्रंटियर गांधी इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के अंदर गांधी के विचारधारा के ऊपर फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट किया था। और 1930 के अंदर, याद रखेगा, 1930 के अंदर जब सॉल्ट सत्याग्रह होता है, क्या होता है सॉल्ट सत्याग्रह, नमक का जो सत्याग्रह हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें आपके जो फ्रंटियर गांधी जिनको बादशाह खान के रूप में भी पहचाना जाता है, अलग अलग नाम से इनको पहचाना जाता है, इन्होंने अपनी एक बॉडी बनाई थी खुदाई खुदमतगार्स। दिख रहा है? खुदाई खुदमतगार्स, दे आर नोन एज द सर्वेंट्स ऑफ द गॉड। ये लाल कलर का कपड़ा पहन के चलते थे और लोगों की सेवा करते थे पठान कम्युनिटी के रूप में। और इनफैक्ट इनका मानना था कि हमको नॉन वायलेंट वे के अंदर भारत को आजादी दिलानी चाहिए, पर खैर आजादी तो मिली पर कुछ कुछ रीजन्स इंडिया को नहीं मिल पाए, उनमें से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बहुत ही प्रोमिनेंट था। इनफैक्ट इन्होंने बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी किया था कांग्रेस का कि क्यों बांट रहे हो, क्यों हम लोग को अलग कर रहे हो। तो बंटवारा हुआ, पॉलिटिकली हुआ, पर मैं कहूंगा कि जो मन की बात होती है, जो आइडियोलॉजिकल होता है, उसमें बहुत सारे लोग वहां पे भी थे बॉर्डर के उस पार, हु वर ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, हमको वापिस क्या चाहिए साहब, हमको यहाँ पे ही आना है, हमको इंडिया के साथ ही जुड़ना है। गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट, बंटवारे के समय सबसे ज्यादा दो लीडर्स का आपको प्रोमिनेंस मिलेगा। एक मिलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे मिलेंगे आपको नेहरू जी। पटेल का इम्पोर्टेंस क्या है साहब? पटेल का इम्पोर्टेंस ये है कि जितने भी नेगोशिएशन चले 1945 से लेके 47 के बीच में, इन दोनों नेगोशिएशंस में ये 2-3 साल तक पटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और आज की तारीख में जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर जैसे इश्यूज को कहीं ना कहीं सॉल्व कराने के पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। और इसी के कारण जब देश आज़ाद होता है, मुल्क आज़ाद हुआ, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनकी ही नवाजी की जाती है और भारत के पहले होम मिनिस्टर के रूप में भी इनको कंसिडर किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बनते हैं 1931 के अंदर, और कराची कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को एक नई दिशा देंगे। कराची कांग्रेस होती है 1931 में, आफ्टर द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को स्टॉप किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1928 के अंदर जब बारडोली सत्याग्रह हुआ उसके बाद उनको सरदार का टाइटल दिया जाता है, तो ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। इसके सिवा आपको दूसरे लीडर जो मिलेंगे जो पार्टीशन के अगेंस्ट में थे, वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1941-42 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, फिर वही कंटिन्यू रहते हैं, फिर कांग्रेस की मीटिंग नहीं हुई थी 4-5 साल तक। ये इनफैक्ट राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता के रूप में थे जिन्होंने पार्टीशन का विरोध किया था और इनफैक्ट जिन्ना के बहुत ही प्रखर क्रिटिक्स भी हुआ करते थे। इनका भी मानना यह था कि हिंदू और मुसलमान साथ में रह सकता है, बट होता यह है कि जो मुस्लिम मेजोरिटी थी वो जिना के फेवर में ज्यादा चली गई। उनको लग रहा था कि जिना जो है वो सही है। इनके जो विचार थे वो भारत के मुसलमान को कम टच कर पाए। इनफैक्ट जिना ने तो इनको गद्दार कह दिया था कि ये तो गद्दार है, ये तो हिंदू लोगों का है ना शागिर्द बन गया है, शागिर्द समझ में आता है, उनका खास बन गया है। इस तरह के आरोप लगाए गए थे बादशाह खान के ऊपर, मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर। ये नेशनलिस्ट लीडर्स थे जो पार्टीशन नहीं चाहते थे, उनको शागिर्द बोला गया था। खैर लंबी कहानी है, कभी कभी बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, आप आइएगा मेरे साथ प्लस कोर्सेज के ऊपर, तो मैं आपको ज़रूर से ये सब हिस्टोरिकल डिस्कशंस कराऊंगा। यहाँ एनसीईआरटी के अंदर डिस्कशंस कम है पर मेरे से हो पाता है उतना, 1-1.5 घंटे के अंदर जो भी हम लोग क्लासेस ले रहे हो उसमें डिस्कशन कराता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि डिस्कशन नहीं करा रहा हूँ, बट आई वॉन्ट यू कि आप मेरे साथ जुड़ो यार, ठीक है। हिस्ट्री को
पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना उसको जानना। और जाने बगैर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको बहुत मोनोटोनस और बोरिंग लगेगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी अनअकैडमी प्लस के ऊपर है, उनको पूछेगा कि प्रतीक नायक हिस्ट्री कैसे पढ़ाता है, और अनअकैडमी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा कि कितने टॉप एजुकेटर्स हैं, उसमें मेरा नंबर भी देख लीजिएगा कि वेयर आई एम स्टैंडिंग इन द अनअकैडमी। तो आपको एक चीज का मैं श्योरिटी देता हूं कि आप जब हिस्ट्री पढ़ने आओगे मेरे साथ तो आप उसको है ना भूल नहीं पाओगे। मैं आपको अभी से ही कह देता हूं, आपको घटनाएं याद रह जाएगी, जो पूरे इवेंट्स है वो याद रहेंगे, उसके पीछे के जो कारण है वो भी चर्चा करूंगा। अबुल कलाम आजाद के ऊपर वापिस आते हैं, मक्का के अंदर जन्म हुआ था और कहा जाता है कि उनका मानना ये था कि हम लोग, इनफैक्ट सब लोग एक है, वी आर ऑल यूनाइटेड, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द टू नेशन थियरी। वो भी टू नेशन थियरी के अगेंस्ट में ही थे। कहानी ये चलती है अबुल कलाम आजाद के साथ कि आजादी के बाद भी इन्होंने अपना अपना अच्छा काम किया, और आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वॉज मेड दी आई वुड से एजुकेशन मिनिस्टर। आपको जान के ये नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज़ादी के मूवमेंट के सबसे मेन हीरो आपके थे नेहरू जी और गांधी जी। एक्चुअली नेहरू जी तो बहुत लंबी कहानी है इनकी इतिहास के अंदर, पर नेहरू को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया, ये टॉपिक आपको भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगता है, जितने भी इतिहास के लीडर्स हैं उनको भी लगता है और पब्लिक को भी मज़ा आती है। एक्चुअली 1946 में गांधी जी ने नेहरू जी को अपना पॉलिटिकल वारिस, मतलब कहते हैं ना डिसाइपल, कि मेरे बाद अब नेहरू जी सब कुछ संभालेंगे, वो डिक्लेयर किया था। अब गांधी जी ने क्यों ऐसा किया था, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, कुछ कुछ कारण कोई इतिहासकारों ने लिखा है, किसी ने नहीं लिखा है, बट नेहरू यंग थे, डायनामिक थे, उनके अंदर वो विजन थी। पटेल, उनके सामने अगर हम लोग कंपेयर करते तो पटेल काफ़ी ओल्ड भी हो चुके थे, और नेहरू की पॉपुलैरिटी भी कंपैरेटिवली पब्लिक में ज़्यादा थी, पर विद इन कांग्रेस पटेल की पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी। तो एक बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन था, बट आज़ादी के बाद नेहरू जैसे लीडर्स ने इंडिया को एक नई दिशा और दशा दी, और पार्टीशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे संविधान लिखा जा सकता है, कैसे एक प्लानिंग के द्वारा देश का विकास हो सकता है, प्लान्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, उन सब के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इनके बारे में लिखा है। इस तरह से नेशनल मूवमेंट का आपका जो टॉपिक है वो कंक्लूड हुआ, और फाइनली एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक दिया गया है अफ्रीका के बारे में। अब थोड़ा बहुत अफ्रीका के बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे भारत के अंदर आज़ादी का आंदोलन एक मूवमेंट के तहत चला, वैसे ही अफ्रीका के अंदर भी नेशनल मूवमेंट हमको एक बहुत बड़ा एक आज़ादी के आंदोलन के द्वारा मिलेगा। अफ्रीका में पहले कॉलोनाइजेशन जब हुआ, व्हेन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका टुक प्लेस, तो होता यह है कि बहुत ही जो लोकल रूलर्स हैं इनको ख़त्म कर दिया जाता है बाय ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, बेल्जियम, डेनिश, डेनमार्क के लोग थे, डच थे, बहुत सारे यूरोपियंस वहाँ बैठे हुए थे अफ्रीका के अंदर। और खासियत ये थी कि अफ्रीकन्स को किसी ने कुछ कंसीडर ही नहीं किया। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और पूरी वर्ल्ड के अंदर डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया चलती है, क्या कहता है डीकोलोनाइजेशन आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर टू, क्या होता है आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर टू, प्रोसेस स्टार्टेड कॉल्ड एज डीकोलोनाइजेशन। मैंने अभी प्लस के क्लास के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट किया है, मेरे प्लस के स्टूडेंट्स को पता होगा कि कैसे डीकोलोनाइजेशन चला, किस तरह की घटनाएं हुई। ये जो डीकोलोनाइजेशन की घटना होती है, व्हेन द डीकोलोनाइजेशन टुक प्लेस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वी फाइंड कि अफ्रीका में भी एक आंदोलन की शुरुआत हुई, और अफ्रीका के अंदर घाना सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्री बनता है जो इंडिपेंडेंस की तरफ चलेगा। और घाना के अंदर एक लीडर का नाम लिखा गया है क्वामे कुमरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। इन्होंने इनफैक्ट एक पार्टी बनाई थी सीपीपी, कन्वेंशन पीपल पार्टी। जैसे भारत के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन चला, और जैसे कांग्रेस ने अपना आंदोलन चलाया, वैसे ही घाना के अंदर भी आपको कन्वेंशन पीपल पार्टी के द्वारा आंदोलन चलेगा। एंड घाना विच वॉज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश एट दैट टाइम, तो आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947 में, उसके 10 साल के बाद घाना बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री इन द वेस्टर्न अफ्रीका टू गेट द इंडिपेंडेंस। और 1957 में जैसे घाना इंडिपेंडेंट हुआ, 1960 तक आते आते 17 कंट्रीज अफ्रीका के अंदर इंडिपेंडेंट होते हैं, वो सब फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी। वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है,
समय मिला तो एनसीईआरटी के अंदर होगा तो डिस्कस कराऊंगा, पर बाकी आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको इसके बारे में और प्लस क्लासेस के ऊपर आऊंगा। तो याद रखेगा कि सब जगह के ऊपर आपको नेशनल मूवमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंस मिलेगा, और नेशनल मूवमेंट में एक पॉलिटिकल एजिटेशन का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है, वो भी हमको जानकारी अफ्रीका के द्वारा मिली। इस तरह से अफ्रीका का नेशनल मूवमेंट खत्म हुआ, और ये एक टॉपिक था घाना का, उसको थोड़ा बहुत समझाया हुआ है कि अफ्रीकन्स की क्या सिचुएशन थी, उनका कैसे शोषण होता था, और जैसे इंडिया में नेशनलिज्म बढ़ा, मास नेशनलिज्म वैसे ही घाना के अंदर भी आएगा। ठीक है, तीन चार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है व्हाई पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल इन द 1870s एंड 1880s। अरे भाई, इल्बर्ट बिल, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वाइसरॉय के डिसीजंस, नाराजी होंगे ना साहब। हु डिड द इंटरनेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर? इट विश टू स्पीक फॉर ऑल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। नो डाउट इनिशियली कांग्रेस वॉज द बॉडी ऑफ द मॉडरेट्स एंड यूज टू बी इलीट पीपल, बट दे रिप्रेजेंटेड ऑल इंडिया। हाउ, वट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव इन इंडिया? इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड सो मच ऑफ इम्पैक्ट। गेटिंग अ पॉइंट, वॉट डिड द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन आस्क फॉर इन द 1940? दे ओनली आस्क फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। नो वर्ड पाकिस्तान वॉज मैंशन। पाकिस्तान का शब्द का मैंशन नहीं किया गया था, पर कहा था कि एक आज़ादी ही चाहिए जहाँ मुस्लिम बहुमती इलाका हो, तो भाई आखिर में तो पाकिस्तान ही बनेगा ना। ठीक है, ओवर द मॉडरेट्स, हाउ डिड द प्रपोज द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश? मॉडरेट्स वैसे लोग थे जिन्होंने शांति प्रिय रूप से एजिटेशन किया, प्रेयर्स एंड पिटिशंस और रेजोल्यूशंस के द्वारा भारत की आज़ादी की मांग की। हाउ वॉज द पॉलिटिक्स ऑफ द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडरेट्स? रेडिकल्स जिसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं वो क्या कहते हैं? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल अचीव इट बाय एनी मीन्स। मॉडरेट्स कहते थे कि अभी स्वराज की जरूरत नहीं, कुछ रिफॉर्म्स कर दो। डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स दैट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हाउ डिड द पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नो टैक्स मूवमेंट हुआ, स्ट्राइक हुई, लोगों ने जंगल के कानून तोड़े, और गांधी जी को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। गांधी महाराज की जय, गांधी राज की जय, गांधी जी का राज आ चुका है, वैसा कहा गया था। इसके लिए महात्मा बोला गया गांधी को। ठीक है, व्हाई डिड गांधी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ? वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने आपको बताया था नमक एक ऐसा कानून है जिसके ऊपर अमीर हो या गरीब, राजा हो या इनफैक्ट सबसे कोने का इंसान, सबको नमक के ऊपर फटका पड़ रहा था, क्योंकि नमक के ऊपर मोनोपली की थी, टैक्स लगाया था। गांधी को लग रहा था कि ये कानून तोड़ेंगे तो मेरी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, लोग भी हमको समझ पाएंगे। डिस्कस द डेवलपमेंट बिटवीन 1937 1947 पीरियड दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मैंने आपको बताया इलेक्शंस हुए, कम्युनलाइजेशन का बढ़ावा दिया जाता है, मुस्लिम लीग ने कम्युनल कार्ड खेला, विक्टिम कार्ड खेला, और इस तरह से हमको देखने को मिला कि भारत की आज़ादी का आंदोलन खत्म होता है। उसके बाद लेट्स डू पूछा गया है कि आप जो शहर के अंदर रह रहे हो वहाँ पे नेशनल मूवमेंट कैसे हुआ था। तो आप जहाँ पे भी रहते हो, जैसे आई स्टे इन अहमदाबाद, तो मुझे पता है कि यहाँ पर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके गांधी जी से लेके सबका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो यहाँ मैं तो लिख पाऊंगा, आपको अपने हिसाब से सोचना है। इफ़ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, और यू आर स्टेइंग इन सम विलेज, आप कोई भी रूरल एरिया में बिलोंग करते हो, तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपके गाँव के अंदर, आपके शहर के अंदर किस तरह से आंदोलन चलता है। गेटिंग अ पॉइंट नॉट, है ना। उसके बाद पूछा गया फाइंड आउट अबाउट द मोर लाइफ ऑफ द टू पार्टिसिपेंट्स और द लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। कोई दो के ऊपर ऐसे लिख दीजिए, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लिखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। ठीक है, इतना टॉपिक था भाई आपके चैप्टर नंबर 9 के अंदर, और ये चैप्टर को हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है। अगर आपको इनफैक्ट इसके अंदर डाउट है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको अभी भी कहूँगा कि आप कनेक्ट होइए, बहुत मज़ा आएगी साहब। हिस्ट्री पढ़ने में तो इतना मज़ा आता है, और डिस्कशन के साथ पढ़ते हैं हम लोग। जैसे आज की तारीख में आपके साथ क्या होता है कि डिस्कशन थोड़ा कम होता है, तो भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ, पर प्लस के ऊपर क्या, मुझे लिबर्टी है, मैं छोटी से इनफैक्ट अपनी मर्जी से पढ़ाता हूँ, और आई टेक माई फुल टाइम। जैसे एनसीईआरटी में आपका टाइम ले रहा हूँ, वहाँ पर भी टाइम लेता हूँ साहब, है ना। लोग मॉडर्न हिस्ट्री आराम से बोलते हैं कि सर इतना लेंदी क्यों है? देखो, हिस्ट्री लेंदी है क्योंकि इट इज़ द मदर ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटीज़। जितने भी सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो उसका फाउंडेशन ही हिस्ट्री में होता है, और हिस्ट्री समझ लिया तो पूरी लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, यूज़ माय रेफरल कोड टू जॉइन द प्लस, यू विल बी कनेक्टेड विथ मी। दिस इज माय सब्सक्रिप्शन कोड नंबर। इनफैक्ट इफ यू गॉट एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन, आप यहाँ कॉल कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट माई क्लासेस। आई सी इन द नेक्स्ट क्लास वेर विल बी टॉकिंग अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, एंड देन वी कैन कंक्लूड दिस एनसीईआरटी। सिवाय के एक छोटा टॉपिक है विजुअल आर्ट का, उसको भी कवर कर देंगे, और उसके बाद ये चैप्टर को और ये बुक को कवर करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म।
I'll see you in the next session. Till then, keep studying.